तीसरा रस शुरू होता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। शोक का अर्थ है दुख। देखिए इसकी परिभाषा है, जहाँ प्रिय पात्र के चिर वियोग, चिर शब्द का अर्थ है लंबे समय से, वियोग यानी अलग होना, बिछुड़ना, पीड़ित होने, दुखी होने, या इच्छित वस्तु, अपनी इच्छित वस्तु या जो भी अपनी मनपसंद वस्तु होती है जिसको आप बहुत अधिक चाहते हैं, प्रेम करते हैं, या आपको जो अच्छी लगती है, इच्छित वस्तु की हानि होने पर, हानि का मतलब टूटना, खोना या नष्ट होना, से मन में जो दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, वह कौन सा रस होता है? करुण रस। इसके उदाहरण है, पाय बेहाल बियाइन सो बहे, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इति ने किते दिख बिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कह करुणा ने धीर होए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग दुहे। यहाँ सुदामा मिलन का वर्णन है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलते हैं तो श्री कृष्ण की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार वो अपने मित्र को गले लगाते हैं, किस प्रकार अपने मित्र के पैर अपने आंसू रूपी जल से धोते हैं। तो इस प्रकार से यह करुण रस आपको बताया गया। एक बार फिर बताते हैं कि जहाँ भी आपका कोई प्रिय पात्र है जिसको आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हृदय से चाहते हैं, वो आपसे अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है, या कोई आपकी इच्छित वस्तु, जिस वस्तु को बहुत अधिक आप पसंद करते हैं, वह नष्ट हो जाती है, खो जाती है, या फिर उसकी किसी प्रकार की हानि होती है, तो मन में जो दुख के, जो शोक के भाव उत्पन्न होते हैं, वह कौन सा रस होता है? करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। नंबर चार पर आता है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह का अर्थ है जोश। देखिए जहाँ किसी काव्य कथा को पढ़ने या सुनने से मन में जो उत्साह अर्थात जोश का भाव उत्पन्न होता है, वह कौन सा रस होता है? वीर रस। जैसे आपने कोई बात सुनी, कोई कहानी पढ़ी, कोई कविता पढ़ी और आपका खून खोलने लग गया, आप में स्वतः ही जोश के भाव उत्पन्न होने लग गए, तो वह कौन सा रस उत्पन्न हो गया? वीर रस। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहला उदाहरण है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। तो इस प्रकार के हम उदाहरण, इस प्रकार की हम पंक्तियाँ, इस प्रकार के हम कुछ बातें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में स्वतः ही जोश का भाव उत्पन्न होता है, तो वह कौन सा रस होता है? वीर रस। दूसरा उदाहरण है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार की बातें जब सुनने को मिलती है तो भी लोगों में स्वतः ही उबाल का भाव उत्पन्न होता है, जोश का भाव उत्पन्न होता है, एक वीरता का भाव जागृत होता है, तो वह कौन सा रस होता है? वीर रस। तीसरा उदाहरण है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। यह मेवाड़ केसरी राणा प्रताप के लिए आया है कि वह केवल रण का युद्ध भूमि का तमाशा भर नहीं देख रहा था, वह दौड़ दौड़ कर रणभूमि में युद्ध कर रहा था और वह मान रक्त का क्या था? प्यासा। तो इस प्रकार की बातें जब हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो स्वतः ही मन में जोश का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? वीर रस। आज के लिए इतना ही काफी है, शेष जो रस बच गए आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगे। धन्यवाद।